नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। आप सभी का स्वागत। पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच साउथहैम्पटन में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच बारिश और खराब मौसम की वजह से ड्रॉ हो गया। पांचवें और अंतिम दिन इंग्लैंड ने कल चौथे दिन की रन संख्या 1 विकेट पर 7 रन से आगे खेलना शुरू किया और खेल समाप्त होने तक 4 विकेट पर 110 रन बनाए। आखिर तक रूट और बटलर क्रीज पर थे। इससे पहले क्राउले ने 53 रन की पारी खेली जबकि सिबली 32 रन बनाकर आउट हुए। टेस्ट के पहले 4 दिनों में सिर्फ 96 ओवर का ही खेल हो सका। पांचवें और अंतिम दिन मैच का पहला सत्र भी बारिश के नाम रहा। चौथे दिन सिर्फ 10 ओवर और 2 गेंदें फेंकी गईं, जबकि तीसरे दिन पूरा खेल ही बारिश की भेंट चढ़ गया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में बारिश में ये टेस्ट धुल जाने के कारण मेहमान पाकिस्तान के पास अब सीरीज जीतने का मौका नहीं बचा है। हालांकि सीरीज का एक टेस्ट अभी बाकी है और उसे जीतकर पाकिस्तान सीरीज जरूर बराबर करना चाहेगा। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड तीसरा और अंतिम टेस्ट मैच जीतकर 10 साल बाद पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज जीतने की कोशिश करेगा। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ हैं। अशोक जी, जैसे कि उम्मीद थी कि दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ होगा बारिश और खराब रोशनी की वजह से, वही हुआ। तीसरा टेस्ट भी साउथहैम्पटन में ही खेला जाना है। इस मैच से एक बात साफ हुई है संजय जी के इंग्लैंड की बल्लेबाजी भी उतनी सशक्त नहीं है जिस तरह उनके एक के बाद एक 4 विकेट गिर गए। तो एक बात तय है कि हालांकि इसी जगह पे मैच होना, हो सकता है विकेट में थोड़ी क्योंकि ये विकेट तेज गेंदबाजों को काफी मदद कर रहा था। और एक बात तय है कि अगर तेज गेंदबाज प्रतापी हावी होते हैं तो हो सकता है आप अगले मैच में बेस्ट के बजाय एक बल्लेबाज या एक नया एक और तेज गेंदबाज खेलते हुए देख सकते। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट फवाद आलम रहे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी हाँ, बिल्कुल 11 साल के बाद मौका और 0 पर आउट, निश्चित रूप से आप ऐसी अपेक्षा भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा निराशा है और हो सकता है कि अगले मैच में उनको मौका मिले या ना मिले, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अगर वो मौका नहीं मिलता तो फिर उनके लिए भविष्य में पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना आसान नहीं होगा। अशोक जी, आप काफी काउंटी खेल चुके हैं इंग्लैंड के अंदर, वहां का जो मौसम है वो सचमुच परेशानी वाला है। बारिश तो खैर अपनी जगह पर है, लेकिन बैड लाइट की वजह से इतना ज्यादा खेल इफेक्टेड होना, ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। और संजय जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसे आसमान में बादल आते हैं बॉल स्विंग करना शुरू कर देता है, और जैसे ही बादल छट जाते हैं विकेट बल्लेबाजी के लिए आसान हो जाता है। तो ये आपके भाग्य पे निर्भर करता है कि आप किस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये काफी यही है कि इंग्लैंड में भाग्य आपका साथ देता है कि नहीं, कि आप बादलों के नीचे खेल रहे हैं तो फिर बॉल काफी मूव करता है, लेकिन अगर धूप के समय खेलते हैं तो बल्लेबाजी के लिए आसान होता है। तो ये किसी वाली बात होती है कि आपकी बल्लेबाजी किस समय आती है। बिल्कुल, तो इंग्लैंड में भाग्य का मतलब मौसम है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से भाग्य आप पे मेहरबान रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई बल्लेबाज जो शतक बनाता हो सकता है वो धूप पे बल्लेबाजी कर रहा है, और जो शून्य पे आउट हो जाता है जैसे फौद आलम, हो सकता है वो बादलों के नीचे बल्लेबाजी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब स्टैट्स कॉर्नर के साथ मोहम्मद इशाउद्दीन। बारिश और कम रोशनी ने इस साल चल रहे इंग्लैंड के अच्छे रिकॉर्ड को खराब कर दिया। साल 2020 में यह पहला टेस्ट मैच है जब इंग्लैंड की टीम को ड्रॉ खेलने पर मजबूर होना पड़ा है। इस साल इंग्लैंड ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उसे सिर्फ 1 में हार का सामना करना पड़ा, जबकि 6 में उसे जीत मिली है। दूसरे टेस्ट मैच में एक समय लग रहा था कि 5वें दिन का खेल नहीं होगा और दोनों देशों के बीच कम ओवरों के हिसाब से सबसे छोटा टेस्ट मैच का रिकॉर्ड बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इससे पहले दोनों देशों के बीच पूरे टेस्ट मैच में सबसे कम ओवर फेंके जाने का रिकॉर्ड 1987 में लॉर्ड्स में बना था, जब कुल मिलाकर केवल 112.5 ओवर फेंके गए थे। दोनों देशों के बीच 15 साल बाद किसी सीरीज का दूसरा टेस्ट बराबरी पर समाप्त हुआ है। इससे पहले नवंबर 2005 में फैसलाबाद में सीरीज का दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था।
अगर इंग्लैंड के भूमि पर दोनों देशों के बीच सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच को देखा जाए तो 24 साल बाद कोई टेस्ट ड्रॉ रहा है। इससे पहले लीड्स में 1996 में दूसरा टेस्ट ड्रॉ रहा था। उस टेस्ट में इंग्लैंड ने अपनी एकमात्र पारी में 501 रन का स्कोर खड़ा किया था, जबकि पाकिस्तान ने 448 और 242 रन बनाए थे। दोनों देशों के बीच खेले गए कुल 85 टेस्ट में यह 38वां ड्रॉ मैच रहा है। इंग्लैंड में पाकिस्तान के साथ हुए कुल 55 टेस्टों में इंग्लैंड की टीम 19वीं बार ड्रॉ खेली है। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना के एक साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा पर लगातार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक सहित दुनिया भर के जाने माने क्रिकेटर्स ने धोनी और रैना के रिटायरमेंट पर कुछ न कुछ जरूर कहा है। नीति रावत की रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन इंजमामुल हक भी महेंद्र सिंह धोनी के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के फैसले से मायूस हैं। उनका मानना है कि धोनी जैसे बड़े कद के खिलाड़ी को घर से नहीं बल्कि मैदान से रिटायरमेंट का ऐलान करना चाहिए था। इस पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने धोनी को भारतीय क्रिकेट का बेस्ट कैप्टन ठहराते हुए कहा कि उन्होंने खिलाड़ियों को तराशा और उनकी कप्तानी में ही आर अश्विन और सुरेश रैना जैसे मैच विनिंग खिलाड़ी टीम इंडिया को मिले। उन्होंने कहा कि एमएस धोनी में खेल की गहरी समझ थी और वे युवा खिलाड़ियों को बड़े प्लेयर्स में तब्दील करने में माहिर थे। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी इस बार आईपीएल में अपनी बेहतरीन फॉर्म में रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जब बॉलर्स धोनी के सामने गेंदबाजी के लिए आएंगे तब उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी। स्टार स्पोर्ट्स के क्रिकेट कनेक्टेड शो में इरफान ने कहा कि मेरा मानना है कि जब वो आईपीएल में खेलने के लिए उतरेंगे तब संन्यास ले चुके गेंदबाज ज्यादा खुश होंगे क्योंकि उन्हें धोनी के सामने बॉलिंग नहीं करनी होगी। इस बार धोनी अपनी पूरी फॉर्म में होंगे। वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने कहा सबसे बड़ी बात यह है कि धोनी सीएसके को लेकर काफी भावुक रहते हैं। उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स टीम ने काफी सफलताएं हासिल की हैं। यही कारण है कि धोनी इस बार भी खिताब जीतने के लिए जो हो सके वो सब कुछ करेंगे। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने भी महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सचिन के 100 इंटरनेशनल शतकों का रिकॉर्ड टूट सकता है लेकिन धोनी का आईसीसी की 3 ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड कभी नहीं टूटेगा। धोनी ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप, 2011 में वनडे वर्ल्ड कप और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। एक दिन पहले ही भारतीय कप्तान विराट कोहली ने भी धोनी को ट्रिब्यूट देने के लिए इंस्टाग्राम पर 2 वीडियो पोस्ट किए थे। विराट ने कहा था कि एक दूसरे को समझना और सम्मान देना कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूं ही आ जाती है, ये नेचुरली पैदा होती है जब दो लोग एक साथ जुड़े हों और दोनों का एक ही सपना हो। वो सपना है हमेशा भारत को जीत दिलाना। इन सारे लम्हों के लिए आपका शुक्रिया कैप्टन, आप हमेशा मेरे कैप्टन रहोगे। और अब भारतीय हॉकी के लिए एक अच्छी खबर। कप्तान मनप्रीत सिंह सहित भारतीय पुरुष हॉकी टीम के 6 खिलाड़ी कोविड-19 से उबर गए हैं। कल शाम उन्हें बेंगलुरु के अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। टीम के करीबी सूत्रों ने बताया कि मनप्रीत, डिफेंडर सुरेंद्र कुमार, जसकरण सिंह, वरुण कुमार, गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक और स्ट्राइकर मनदीप सिंह 2 बार कोरोना वायरस नेगेटिव पाए गए। पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए ट्रेनिंग कैंप कल से बेंगलुरु में शुरू हो रहा है। ओलंपियन समीर दाद इस समय हमारे साथ हैं। समीर, हॉकी के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है? बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है कि सब स्वस्थ होके अभी कैंप में आ गए हैं, लेकिन अभी एक हफ्ते तक वो बिल्कुल टीम से अलग रहेंगे और उनका फिर से टेस्ट होगा। अगर वो फिर से नेगेटिव आते हैं तो वो टीम को ज्वाइन करेंगे। और हालांकि कल या परसों से जो बचे हुए लड़के हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और वो भी कुछ ग्रुप्स में करके करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि अब ऐसा हादसा हो गया है जिसको बड़ा संभाल के इनको कैंप की शुरुआत करना पड़ेगी। लेकिन समीर, ये ग्रुप्स में ट्रेनिंग कराना मेरा ख्याल है कि ये प्लेयर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा और कोचेस के लिए तो होगा ही नहीं, उसको डिवाइड कर देते हैं। क्या होता है कि बड़ी फील्ड होती है उसमें 4 ग्रुप अलग अलग करके और अलग उनको ट्रेनिंग कराई जाएगी 4-4 लड़कों के साथ, तो ज्यादा भीड़ नहीं होगी, लोग पास नहीं आएंगे, उसमें बेसिक स्किल ज्यादा इम्प्रूव होगी। जो ट्रेनिंग चाहिए बेसिक स्किल
वो दूर से खड़े होके हो जाती है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आने वाली है। तो मतलब जो एक फुल ट्रेनिंग कही जा सकती है वो अभी शुरू नहीं करके जो बेसिक चीजें हैं उस पर काम ये शुरुआत में करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी बड़ा ख्याल रखना है, तो वो ग्रुप में एक दूसरे के बॉडी कॉन्टेक्ट में प्लेयर नहीं आए, इसको ध्यान में रखते हुए हमें पूरी तरह से जो बेसिक स्किल है जैसे हिटिंग है, पुशिंग है, या स्कूप करना है, या ड्रैग फ्लिकिंग की जो स्किल है, ये सब वो कर सकते हैं दूर रहकर एक दूसरे से। बहुत बहुत धन्यवाद समीर। शुक्रिया। देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बेंगलुरु में कल से शुरू हो गई। रेबल्स एफसी क्लब ने यलहंका इलाके के स्कूल कैंपस में से शुरू किया है। इस एकेडमी में लड़कियों की ट्रेनिंग के अलावा उनके रहने का भी पूरा इंतजाम होगा। इस रेसिडेंशियल एकेडमी में देश भर से चुनी गई अंडर 13 से अंडर 22 एज ग्रुप की लड़कियों को साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनका प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का सपना पूरा हो सके। जैसा कि आप जानते हैं, AIFF महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के रोड मैप पर काम कर रहा है और इसीलिए अगले साल भारत में अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप होने जा रहा है। इसके अलावा 2022 में विमेंस एशियन कप भी होगा। ऐसे में RFC जैसी एकेडमी इस लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगी। वर्ल्ड के नंबर दो टेनिस प्लेयर रोमानिया की सिमोना हालेप US ओपन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। इससे पहले नंबर वन प्लेयर एशले बार्टी, रनर्स अप प्रियंका एंड्रीस्क्यू, एलिना स्वितोलिना, किकी बर्टिस और बेलिंडा बेनकिक जैसी सीडेड प्लेयर्स ने अपने नाम वापस ले लिए थे। US ओपन 31 अगस्त से शुरू हो रहा है। पिछले सप्ताह ही अपना 21वां WTA टूर्नामेंट प्राग ओपन जीतने वाली सिमोना हालेप के अलावा डिफेंडिंग चैंपियन राफेल नडाल भी कोरोना की वजह से बंद दरवाजे के पीछे खेले जाने वाले इस बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जबकि स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर चोट की वजह से इस साल कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं। उधर US ओपन से ठीक पहले केई निशिकोरी कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए गए। 31 अगस्त से शुरू हो रहे US ओपन की तैयारियों के लिए जापान के निशिकोरी अमेरिका के फ्लोरिडा में थे जहां उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। फॉर्मर नंबर 4 प्लेयर ने खुद अपने ऑफिशियल ऐप पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी टीम शुक्रवार को दोबारा जांच करवाएंगे और तभी कोई अपडेट्स दे सकेंगे। मौजूदा 31वीं रैंक के निशिकोरी ने पिछले साल अक्टूबर में अपनी कोहनी की सर्जरी के बाद किसी भी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो खेलों में खास में आज का सफर यहीं तक। स्पोर्ट्स वीडियोस, अपडेट्स और स्पोर्ट्स ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर देखें। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, connect@sportszindagi.com। कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।